हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा सिंधु, एन ओशन ऑफ नॉलेज। स्टूडेंट्स, वी आर कंटिन्यूइंग आवर प्रीवियस चैप्टर डीबीएमएस कॉन्सेप्ट्स। इसका आज आप पार्ट टू देखेंगे। उम्मीद है लास्ट वीडियो आपने जरूर देखा है और उसमें बेसिक कंसेप्ट सारे आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। तो कंटिन्यू करते हैं उसी के आगे। आगे बढ़ने से पहले जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि डेटा एब्स्ट्रैक्शन 3 लेवल्स पे होता है। यहां यूं कह दें कि डेटा एब्स्ट्रैक्शन के 3 लेवल्स हैं। सबसे पहला इंटरनल लेवल, कंसेप्चुअल लेवल और सबसे ऊपर व्यू लेवल। उसी को आगे बढ़ाते हैं। डेटा एब्स्ट्रैक्शन के इन लेवल्स के रिलेशन में हम 2 टर्म्स आज और समझ रहे हैं, स्कीमा एंड सब स्कीमा। स्कीमा क्या है? तो जब भी हम कोई डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो उस डेटाबेस का हमें एक स्ट्रक्चर बनाना होता है, जिस स्ट्रक्चर के थ्रू हम उसमें यूज होने वाले सारे जितने कॉलम्स हैं, यानी कि उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, जो उसमें वैल्यूज आएंगी और इसके अलावा जो रिलेशनशिप बनेंगे उन सबको डिफाइन करते हैं, उसी को हम कहते हैं स्कीमा। और उसी स्कीमा को जब आगे और सब डिवाइड किया जाता है और उसी के व्यूज और क्रिएट किए जाते हैं तो हम उसको बोलते हैं सब स्कीमा। तो ये 2 टर्म्स जो हैं, इसके क्वेश्चंस भी बोर्ड में आते हैं, कभी कभी छोटे क्वेश्चन बनता है। सो अगर हम डेफिनेशन के रूप में देखें तो स्कीमा इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा आइटम इंक्लूडिंग देयर नेम, डेटा टाइप एंड साइज स्टोर्ड इन द डेटाबेस। स्कीमा क्या है? ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा। हमारे जो डेटा स्टोर होने वाला है उसका स्ट्रक्चर जो है वो स्कीमा कहलाता है। वहीं सब स्कीमा रेफर्स टू यूजर्स व्यू ऑफ द डेटा आइटम इन द डेटाबेस। इन अदर वर्ड्स इट इज सबसेट ऑफ स्कीमा। तो जैसे हमने लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन में देखा सबसे ऊपर व्यू लेवल है, तो उसी तरीके से एक स्कीमा को फर्दर डिवाइड करके डिफरेंट व्यूज क्रिएट कर दिए जाते हैं। तो एक स्कीमा के कई सारे व्यूज हो सकते हैं, कई सारे सब स्कीमा बनाए जा सकते हैं। इसी से जन्म होता है डेटा इंडिपेंडेंस का। स्कीमा और सब स्कीमा के कंसेप्ट से ही निकला डेटा इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का मतलब आप समझ गए, जहां पे किसी की डिपेंडेंस नहीं है, दैट मींस डेटा विच इज नॉट डिपेंडेंट ऑन सम अदर लेवल्स। तो यहाँ पे डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होगा कि कभी भी एक लेवल पर, चाहे वो इंटरनल लेवल हो, फिजिकल लेवल हो या व्यू लेवल हो, तो इंटरनल और फिजिकल लेवल पे जब हम काम करते हैं तो किसी भी एक लेवल के स्कीमा को डिस्टर्ब किए बिना दूसरे लेवल के स्कीमा पर एडिटिंग करना, चेंजेस करना, उसको हम कहते हैं डेटा इंडिपेंडेंस। यानी जब हम एक किसी भी लेवल पे वर्क करते हैं उसके अंदर अगर हम डेटाबेस के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करते हैं और उसका इफेक्ट किसी दूसरे लेवल पर नहीं आए, इसी को हम कहते हैं डेटा इंडिपेंडेंस। सो डेटा इंडिपेंडेंस हमारे पास 2 लेवल्स पर हो सकती है या 2 तरीके से हो सकती है। पहला आपका फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस का संबंध है फिजिकल लेवल से। तो इट रेफर्स टू द एबिलिटी टू मॉडिफाई द स्कीम
followed at the physical level without affecting the scheme followed by the conceptual level. अब physical data independence नाम से ही पता चल गया कि यहाँ पे कहाँ काम हो रहा है, physical level पे work हो रहा है. That means if we are changing the schema on the physical level, it should not affect conceptual level. Physical level पे अगर हम काम करते हैं तो conceptual level के schema definitions को affect नहीं करे. That is independence. दूसरा logical independence. तो logical independence का मतलब क्या हुआ? It refers to the ability to modify the conceptual scheme without causing any change in the scheme followed at the view levels. देखिए स्कीम या स्कीमा के जो चेंजेस हैं वो दो जगह हो सकते हैं, या तो कंसेप्चुअल लेवल पे या फिजिकल लेवल पे. क्योंकि व्यू लेवल यूजर का लेवल है जहां पे सिर्फ डेटा को व्यू किया जाता है. सो लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस क्या है? कंसेप्चुअल लेवल पे जब हम स्कीमा डेफिनेशन को स्कीम को मॉडिफाई करें और उसका इफेक्ट व्यू लेवल पे नहीं दिखाई दे तो उसको हम कहते हैं लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस. सो आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस एंड लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट क्लास में लास्ट वीडियो में हमने देखा एब्स्ट्रैक्शन, डेटा एब्स्ट्रैक्शन के लेवल्स, उसी पर बेस्ड हमने बात की स्कीमा और सब स्कीमा की. और स्कीमा और सब स्कीमा से जुड़ा हुआ एक और कंसेप्ट, एक और टर्म, डेटा इंडिपेंडेंस. डेटा इंडिपेंडेंस दो तरह की हो गई, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस और लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस. सो आई थिंक इट्स क्लियर नाउ. नाउ कुछ और आगे चलें, एक डिफरेंट हम बात करें टर्म की, दैट इज डेटा मॉडल्स. सो व्हाट इज डेटा मॉडल? यहां पे सिंपल है, मॉडल का मतलब क्या? समथिंग टू रिप्रेजेंट, है ना. डेटा मॉडल्स रेफर्स टू द वे डेटा और इंफॉर्मेशन इज रिप्रेजेंटेड इन द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. हम अपने डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ मॉडलिंग करते हैं. हम अपने डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको शो करने के लिए जब हम यूज करते हैं डेटा मॉडल्स का. तो डेटा मॉडल्स हमारे पास में बेसिकली हम यहाँ जो पढ़ेंगे वो तीन तरह के डेटा मॉडल्स बात करेंगे हम. सबसे पहला है आपका रिलेशनल डेटा मॉडल. इसके ऊपर हमारी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पूरा टिका हुआ है, तो इसी को हम आगे और डिस्कस करेंगे RDBMS को. सो रिलेशनल डेटा मॉडल रिप्रेजेंट्स डेटा इन रिलेशनशिप अमंग डेटा बाय कलेक्शन ऑफ टेबल्स नोन एज रिलेशंस. एक एग्जांपल यहाँ पे देखें तो एक टेबल बनी हुई है. ऐसी टेबल आप एक्सेल में भी देख सकते हैं, रोज एंड कॉलम से बनी हुई. जैसे पहला कॉलम रोल नंबर का है, दूसरा कॉलम स्टूडेंट नेम का है, तीसरा कॉलम क्लास का है और फिर ग्रेड. तो ऐसे ही उसके अंदर आप देखेंगे वैल्यूज कुछ हमने डाल रखी हैं. रोल नंबर की कुछ वैल्यू है, स्टूडेंट नेम के अंदर एक वैल्यू है, क्लास के अंदर एक वैल्यू है, ग्रेड के अंदर एक वैल्यू है. इसी तरीके से और भी बहुत सारी वैल्यूज इनमें हो सकती हैं. तो यहाँ पर अभिषेक शर्मा नाम का एक बच्चा है, उसकी एक पूरी डिटेल आप इसमें देख सकते हो, एक रो में देख सकते हो. तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स. तो यहाँ पे टेबल्स की हम बात करते हैं और इन टेबल्स को रिलेशनल डेटा मॉडल के अंदर हम बोलते हैं रिलेशंस. इसी को आगे और डिटेल में डिस्कस हम बाद में करेंगे. नेक्स्ट आपका जो मॉडल है दैट इज नेटवर्क डेटा मॉडल. तो नेटवर्क डेटा मॉडल जो है, यहाँ पे जो डेटा और उसके बीच के जो रिलेशनशिप है उसको हम कुछ लिंक्स के रूप में, लाइंस के रूप में दिखाते हैं. एक नेटवर्क जैसा यहाँ पर फॉर्म हो जाता है, इस तरीके से ये हमको दिखाई देता है.
इसमें सबसे ऊपर ओनर और फिर उसके मेंबर्स। इस तरीके से इस नेटवर्क डेटा मॉडल का एक स्ट्रक्चर रहता है। तो क्योंकि नाम ही है इसका नेटवर्क डेटा मॉडल, तो समवट नेटवर्क के जैसा आपको ये दिखाई देगा। मूविंग टू नेक्स्ट, वी हैव हायरार्किकल डेटा मॉडल। हायरार्की मीन्स समवट अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर। जैसा एक पेड़ को आप देखते हैं, रूट्स, स्टेम, लीव्स, इसी तरीके से यहां पर भी हायरार्किकल डेटा मॉडल जो है एक ट्री के रूप में हमें रिकॉर्ड्स को दिखाता है, उनके रिलेशनशिप्स को दिखाता है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट रिकॉर्ड है वो आपका रूट नोड कहलाता है, और लास्ट जो रिकॉर्ड है वो आपका लीफ कहलाता है, और बाकी सारे जो बीच के रिकॉर्ड्स हैं उनको हम पेरेंट नोड्स कहते हैं। इसको IBM ने डेवलप किया था 1968 में। IBM आप जानते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। सो IBM डेवलप दिस मॉडल इन 1968, हायरार्किकल डेटा मॉडल। हाउ इट लुक लाइक्स, तो इसको देखिए, सबसे ऊपर ये जितने भी आपको सर्कल जो दिख रहे हैं, ये टुपल्स या रोज हम इनको बोलते हैं। तो सबसे ऊपर की रूट नोड होगी, लास्ट की लीफ नोड होगी, और बीच के जो है ये पेरेंट नोड्स कहलाते हैं। तो दीज आर डेटा मॉडल्स। अब इसी में से जैसा मैंने आपको बोला कि आगे हम रिलेशनल डेटा मॉडल को और आगे बढ़ा रहे हैं। इसी रिलेशनल डेटा मॉडल के ऊपर बेस्ड हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ऐसा DBMS जो रिलेशनल डेटा मॉडल के ऊपर बेस्ड है, उसको हम कहते हैं RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो इन अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, द रिकॉर्ड्स आर अरेंज्ड इन द सीरीज ऑफ टेबल कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम। जैसा कि अभी हमने पीछे एग्जांपल देखा था कि रोज और कॉलम्स की फॉर्म में हम यहाँ पे रिकॉर्ड्स को अरेंज करते हैं, और ये जो रोज एंड कॉलम्स का जो कलेक्शन है उसको हम एक टेबल बोलते हैं। और इसी टेबल को, क्योंकि ये रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, यहाँ पर इन टेबल्स को हम क्या कहेंगे, रिलेशंस कहेंगे। हर टेबल के अंदर रोज और कॉलम्स हैं। तो इस टेबल में जो रोज हैं, उन रोज को हम कहते हैं टुपल। RDBMS की भाषा में हम उनको कहते हैं टुपल, और नॉर्मल हमारी जो रोजमर्रा की लैंग्वेज है उसके लिए हम टर्म काम में लेते हैं यहाँ पे रिकॉर्ड। जो यहाँ पे टेबल के कॉलम्स हैं, उन कॉलम्स को हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स। तो जैसा आपने पीछे एग्जांपल देखा था, रोल नंबर, नेम, ग्रेड, क्लास, तो ये सब कॉलम्स थे। रोल नंबर का एक कॉलम था, एक नेम का कॉलम था। इन कॉलम्स को हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स, और सारी वैल्यूज को मिलाकर, जैसे रोल नंबर था, नेम था अभिषेक शर्मा, और इन वैल्यूज को मिलाकर एक टुपल बनता है, एक रिकॉर्ड बनता है। सो कलेक्शन ऑफ रिलेटेड टेबल्स, बहुत सारी टेबल्स को मिलाकर, रिलेशंस को मिलाकर एक डेटाबेस बनती है। कुछ ऐसा दिखता है ये, जैसे यहां पे एग्जांपल हमने लिया स्टूडेंट डिटेल्स और रिजल्ट। स्टूडेंट डिटेल्स के अंदर आपको बच्चों की सारी डिटेल्स दिखेगी, जैसे रोल नंबर हो गया, एस नेम यानी बच्चे का नाम, एफ नेम यानी फादर नेम, और उसका मोबाइल नंबर। ऐसे ही रिजल्ट की डेटाबेस में, रिजल्ट की टेबल में आपको दिखेगा रोल नंबर, एग्जाम टोटल और परसेंटेज। नाउ दीज आर टू रिलेशंस, स्टूडेंट डिटेल्स एंड रिजल्ट आर द टू रिलेशंस, एंड दीज टू रिलेशंस आर पार्ट ऑफ अ डेटाबेस कॉल्ड स्कूल। तो यहां पे स्कूल क्या है, एक डेटाबेस है,
उसके अंदर दो रिलेशंस यानी दो टेबल्स हैं, एक को हम नाम दिया है हमने स्टूडेंट एसटीयू डिटेल्स और दूसरी को हमने नाम दिया है रिजल्ट। सो आई थिंक इट इज मच मोर क्लियर नाउ। मूविंग अहेड आरडीबीएमएस में कुछ टर्म्स हम यूज करते हैं, वो टर्म्स क्या हैं? सबसे पहला रिलेशन, तो अभी हम वैसे भी बात कर चुके हैं इसके बारे में। रिलेशन क्या है? तो सिंपली अ टेबल, जो रोज और कॉलम का कलेक्शन है जिसके अंदर डेटा को रखा जाता है, डेटा को रिकॉर्ड किया जाता है, डेटा को एंटर किया जाता है और उसमें जो डेटा है हमारा वो रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में अरेंज रहता है, दैट इज अ रिलेशन। जैसा भी लास्ट एग्जांपल में हमने एसटीयू डिटेल्स और रिजल्ट नाम की दो रिलेशंस देखी। डोमेन क्या है? तो अ सेट ऑफ वैल्यूज इन अ पर्टिकुलर एट्रीब्यूट या कॉलम। जैसे आपने पीछे देखा था एक कॉलम है हमारे पास रोल नंबर, तो रोल नंबर इज एन एट्रीब्यूट। इस रोल नंबर की बहुत सारी वैल्यूज होंगी, जैसे रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 4, 5, 6, 7, 8, जितने बच्चे हैं उतने रोल नंबर्स होंगे हमारे पास। वैसे ही स्टूडेंट नेम एक कॉलम है, एक एट्रीब्यूट है, उसमें जितने हमारे पास बच्चे हैं उन सबके अलग 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 नेम्स होंगे। तो ये जो पूल ऑफ वैल्यूज बनता है दैट मीन्स अ ग्रुप ऑफ वैल्यूज इन अ पर्टिकुलर कॉलम इज नोन एज डोमेन। जैसे यहां पर एग्जाम्पल हमने दिया है रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट नेम। फिर बात करते हैं टुपल। तो टुपल क्या है? पहले ही मैंने बताया आपको कि हर एक टेबल में जो एक एंटिटी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन हैं, उन इंफॉर्मेशन को जब मिला दिया जाता है तो एक रिकॉर्ड या एक टुपल बनता है। रिकॉर्ड को ही हम टुपल कहते हैं। जैसे लास्ट एग्जांपल में आपने देखा था कि रोल नंबर था, नेम था, जैसे नेम था अभिषेक शर्मा, रोल नंबर उसका जो भी था, उसकी क्लास 11 थी, ग्रेड था, तो ये सब मिलाकर क्या बना? एक रिकॉर्ड बना। इसी रिकॉर्ड को हम आरडीबीएमएस की भाषा में टुपल कहते हैं। अगर आप सिंपल लैंग्वेज में बात करें, जब आप कहते हैं टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, तो हम एक टुपल या एक रिकॉर्ड को क्या बोलते हैं? एक रो बोलते हैं। और एट्रीब्यूट्स को हम क्या कहते हैं? कॉलम्स बोलते हैं। तो आगे जो है मैंने बता ही दिया आपको एट्रीब्यूट्स, यानी एट्रीब्यूट्स का एक सिंपल सेंस प्रॉपर्टीज भी होता है। एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या? प्रॉपर्टीज। तो किसी भी टेबल के अंदर उसकी प्रॉपर्टी क्या है? उसके कॉलम्स। दैट मीन्स अगर आप एक स्टूडेंट की डिटेल्स ले रहे हो तो उसकी डिटेल्स में रोल नंबर, नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, फादर्स नेम, क्लास, ये सब क्या हैं? उसके प्रॉपर्टीज हैं, उसके कॉलम्स हैं जिनमें हमको वैल्यू एंटर करनी है। तो इन प्रॉपर्टीज को, इन कॉलम्स को हम क्या कहते हैं? एट्रीब्यूट्स कहते हैं। सो आरडीबीएमएस की भाषा में रिलेशन, डोमेन, टुपल, एट्रीब्यूट्स, ये चार हमने यहाँ पे टर्म्स पढ़ी। तो रिलेशन क्या है? एक टेबल को ही हम रिलेशन कहते हैं। टेबल क्या है? तो टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, अरेंजमेंट ऑफ रोज एंड कॉलम्स। डोमेन क्या है? तो पूल ऑफ वैल्यूज यानी कि ग्रुप ऑफ वैल्यूज इन अ पर्टिकुलर एट्रीब्यूट इज नोन एज डोमेन। और टुपल क्या है? तो जो रोज किसी भी रिलेशन के अंदर जो रिकॉर्ड्स बनते हैं, जो रोज बनती हैं, उन रिकॉर्ड्स को, उन रोज को हम क्या कहते हैं? टुपल्स कहते हैं। और एट्रीब्यूट्स क्या हैं? तो किसी भी टेबल में जो कॉलम्स हैं जिनके अंदर हमको वैल्यूज एंटर करनी है
वो कॉलम्स क्या कहलाएंगे, एट्रीब्यूट्स कहलाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और जो कंसेप्ट, जो टर्म्स हमने समझना चाहा है इसमें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।